तो गाइस SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसे कहते हैं जिसके चलते अगर हम अपने वीडियोस में कोई लुभावने से हैशटैग्स डालें या टाइटल्स डालें तो ज्यादा दर्शक उस वीडियो की तरफ आकर्षित होते हैं। अब हमारे सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना यार हम भी थोड़े से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर ले, और इसीलिए मैं चला यूट्यूब पर ताकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कुछ वीडियोस ढूंढते हैं, उन्हें देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वीडियो में लगाते हैं और जिंदगी के मजे उठाते हैं। तो वो देखने के लिए जब मैं YouTube पे गया तो मुझे दिखे स्पॉन्सर्ड भिखारियों की टोली, सब्सक्राइबरों की भीख मांगी जा रही थी सस्ते रविंद्र जडेजा के द्वारा। क्यूरियोसिटी के मारे मैंने भी उस वीडियो पे क्लिक कर दिया। मैं 6 सालों से YouTube कर रहा हूँ और इन 6 सालों में मेरी एक भी वीडियो वायरल नहीं हुई, सो प्लीज मेरी इस वीडियो को वायरल करा दो। मारो मुझे मारो। ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने? इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज। 6 सालों में मैंने करीब 20 यूट्यूब चैनल चलाए। तो वीडियो देखने के बाद जो पहली बात मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि अगर इस बंदे के पास पैसे नहीं है और वो यूट्यूब को मोनेटाइज करके वहीं से पैसे कमाना चाहता है तो फिर इसने एड कैसे लगाया? वीडियो वायरल नहीं होती है और ये चैनल अच्छे से चलता नहीं है तो मैं यूट्यूब क्विट कर दूंगा। करो फिर। इस बंदे के पास पैसे नहीं है, मान लो इसके पास सच में अगर पैसे नहीं है तो फिर इसने 2 कंप्यूटर कैसे खरीदे? हमारे पास अब तक 1 पड़ी है, वो भी चल नहीं रही है। प्लीज दोस्तों, धन्यवाद। अगर इसके पास पैसे है तो फिर ये फकीरों वाले बैकग्राउंड क्यों लगा हुआ है? और इसके इस एड वाले वीडियो पे 1,00,000+ व्यू। अब वो देख के यार मैंने सोचा कि चलो बंदे ने काम तो बहुत सही करा है, अपने वीडियो को एड पे चला दिया, व्यूज भर भर के आ गए इसके पास। दोस्तों से कुछ 100-200 रुपए उधारी लेकर के 15 मिनट के वीडियो को एड पे चलाएंगे, उस पे 1 मिलियन या उससे भी ज्यादा व्यूज कमाएंगे, वॉच आवर्स की सुनामी आ जाएगी। पैसा ही पैसा हो गया। तो यार मैं गया यूट्यूब पर और मैंने सर्च करा कि यार 1 मिलियन व्यूज कमाने के लिए यूट्यूब पे हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे एड पे। 15 मिनट्स लेटर। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। मैं पिछले 20 साल से YouTube वीडियो बना रहा हूँ, वो अलग बात है, मैं खुद पैदा 17 साल पहले हुआ था। आज तक मैं 60 YouTube चैनल बना चुका हूँ मगर कोई भी चैनल में 20 से ज्यादा सब्सक्राइबर हुए नहीं है। अपने 30 वीडियोस के लिए मैं खुद भी अपने चैनलों को सब्सक्राइब नहीं करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। Hey guys, what's up? Welcome to another vlog. आज है यार थर्सडे और IPL का सीजन चल रहा है एंड बीइंग क्रिकेट फैंस हम IPL का एक भी मैच मिस नहीं कर सकते। अब सनराइजर्स हैदराबाद है अपनी फेवरेट टीम जो कि अभी लगातार मैचेस हार रही है, पर सपोर्ट तो करना ही है। तो कल जब मैच चल रही थी SRH की RCB के साथ तो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हम फिर से मैच देखने के लिए बैठे थे। चाहे 4 असाइनमेंट पेंडिंग हो, मैच से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैच देखते समय कुछ ऐसा हुआ। ऐसे कौन खेलता है यार, इससे तो अच्छा मैं खेल लेता हूँ। ब्रेक ऑन टाइम विद SEAT स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। SEAT, इट हेल्प्स। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। डेंट आरो, दिल अब यारों का हो गया पारों का, पानी पीना है तो पियो सिर्फ डेंट आरो का। भाषाएं रंग रूप है जुदा जुदा पर हमारी जुबान है एक। विमल बोलो जुबा केसरी। विमल बोलो जुबा केसरी। नमस्कार, हमारा नाम है मोहन प्रसाद और यहाँ चौराहे पे हमारी दुकान है। दुकान तो खैर काफ़ी अच्छी चल रही थी हमारी, पर फिर पिछले साल जब कोरोना आया तो मोदी जी ने लॉकडाउन का घोषणा कर दिया। अब लॉकडाउन में किसने घर से नहीं निकलना है तो हमारी दुकान भी बंद कर दी। अब जब फिर दुकान खोले तो भी कोई ग्राहक आ नहीं रहे थे उसमें। 2 बच्चे अभी, ये टोनू और मोनू। अब जो टोनू है वो 6ठी में है, मोनू 8वीं में है, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा था। कुएं के मेंढक की तरह हम भी घर में बेरोजगार पड़े रहते थे बिस्तर पे पूरा दिन। तो पहले तो टोनू मोनू की माँ जो हमारी बीवी है मंडोदरी, तो वो तो पहले संयम बरती, हमें बेलन से मारा करती थी।
पर जब फिर धीरे धीरे घर के पैसे खत्म होने लगे तो वो भी बदतमीजी पे आ गई, बेहूदगी पे, और हमें चप्पलों से प्रहार करने लगी। ये परेशानी देख करके पड़ोस के सलीम चाचा ने कहा कि यार तुम MPL क्यों नहीं डाउनलोड कर देते हो। हमने सोचा होगा कुछ MPL, हमने डाउनलोड कर लिया, उसमें बैंक वगैरह सारा कुछ मांगा तो हमने दे दिया। तो अब गेम खेल खेल के हमारे पास बहुत पैसे आ गए, इतने पैसे आ गए कि हम गिन भी नहीं सकते थे। तो अब फिर उन्हीं पैसों से हमने बच्चों के लिए लैपटॉप भी खरीद लिया। अभी इससे बच्चे अपने ऑनलाइन क्लासेस भी बड़े अच्छे से कर पाते हैं, और हमने नया घर भी खरीद लिया है। जो पहले हम बस्ती में रहा करते थे, अभी हमारी घर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, तो फिर वहाँ हम शिफ्ट हो जाने हैं बहुत जल्दी। दुकान हमने बेच दी, हमने मॉल खरीद लिया। तो बस बहुत शुक्रगुजार है सलीम चाचा की और MPL वालों की। IPL तो चलती रहेगी, एड्स भी आते रहेंगे। तो यार अभी 5 बज रहे हैं और मोटो व्लॉग करने हम निकलते हैं घर से, और दो आज थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो चुकी है, स्टिल नो इश्यूज। आज बारिश होने के चांसेस आज फिर है, तो अगर बारिश हुई तो फिर आधे रास्ते रुकना पड़ेगा। तो लेट्स गो देन, चलते हैं बाहर। Hey guys, welcome to yet another vlog और motor vlog। और आज हमारे पास है अगेन वही वाली गाड़ी। खैर मुंबई करने के लिए तो है नहीं हम कि रोज़ नई गाड़ी मिलती रहे। तो अभी यार करीब 5 बज रही है और एक घंटे में आज घर वापस भी जाना है, क्योंकि राउरकेला में यार 6 बजे से इवनिंग कर्फ्यू अब लगा दी गई है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होने वाली है। जब पिछली बार यार नाइट कर्फ्यू लग रही थी रात के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, तो उसकी कड़ी निंदा करी गई, और अभी इवनिंग से कर्फ्यू लगा दी गई है। और वीकेंड्स में जो है अभी पूरी लॉकडाउन लगा दी है, मतलब पूरा दिन ही वीकेंड लॉकडाउन। दिल्ली में भी कुछ वैसा सा ही सीन है। तो ओडिशा का यार हॉटस्पॉट बन चुका है राउरकेला, वो वाईफाई वाली नहीं, कोविड वाली। तो राउरकेला बन चुका है हॉटस्पॉट और बहुत सारे केसेस आ रहे हैं यार यहाँ पे। अपने डिस्ट्रिक्ट में नियरली डेली 100 से ऊपर ही केसेस आ रहे हैं, तो इसलिए लॉकडाउन रूल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ऑल्दो अभी लोग घूम रहे हैं, मगर घंटे भर बाद कोई नहीं होने वाला, रोड में पूरी खाली ही मिलने वाली है। तो यार अभी हम बस यूं ही रैंडमली घूमने वाले हैं और कुछ काम तो है नहीं अभी। पेट्रोल की यार दाम 100 रुपये टच कर चुकी है, पर हमें करनी है मोटो व्लॉग, तो पेट्रोल बचाने की पूरी इंतज़ाम करी जा रही है। देख सकते हो चौथी गियर पे 40 पे जा रहे हैं हम, नहीं अभी तीसरी पे आ गए हैं, तो तीसरी गियर पे 20 के स्पीड पे चल रहे हैं, तो पेट्रोल बचानी है। और अभी हम आ चुके हैं यार मेन रिंग रोड पर राउरकेला में। यार ये जो रिंग रोड है यही है बेसिकली राउरकेला, मतलब पूरा राउरकेला इज़ ओनली दिस रोड। ये एक रेक्टेंगल सा रोड बना हुआ है, और राउरकेला में कहीं पे भी जाना है इस रोड से होकर के जाना ही पड़ता है। तो अभी क्या सीन है यार सामने का। तो यहाँ से यार हम अभी जाने वाले हैं अपने स्कूल, फिर वहाँ से अपने कॉलेज। कॉलेज के अंदर नहीं, खैर अंदर कौन ही जा सकता है, तो बाहर से देख करके दिल को संतुष्टि प्रदान करनी पड़ रही है। तो यार ये है अपना स्कूल, जहाँ पर कि मैं 5th से 12th तक था। और ये यार अपना जो सीनियर सेकेंडरी वाला है, प्राइमरी स्कूल थोड़े और दूर में। अब यार ये अपना स्कूल, मेरे घर से है करीब 3.25 किलोमीटर के डिस्टेंस में, फिर यहाँ से कॉलेज है 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और कॉलेज अपने घर से है करीब 3.25 किलोमीटर की, तो मतलब एक ट्राइंगल पे है। फिर
इधर करीब 6 बजने वाली है, तो चलते हैं यहाँ से घर वापस, घर चलते हैं, फिर वहाँ से वॉक पे निकलना है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर यार करो ना करो, कोई ज़्यादा ऐसा कंपलसरी नहीं है, मगर कर दो तो मज़े आते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले हफ्ते, बाय।